चीन के वुहान शहर से निकले कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है, लेकिन ये दुनिया के वो पांच देश हैं जो कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। अमेरिका, स्पेन, इटली और ब्रिटेन इस लिस्ट में तो पहले से शामिल थे, लेकिन अब इसमें फ्रांस, जर्मनी को पीछे छोड़ रूस भी शामिल हो गया है। पूरी दुनिया इस खतरनाक वायरस को काबू करने की कोशिशों में जुटी है, लेकिन वायरस हर रोज खतरनाक होता जा रहा है। यही वजह है कि अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस ने 40 लाख से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बना लिया है, जबकि 2,76,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। रूस की तरह अमेरिका में कोरोना वायरस के नए मामलों में इजाफा हो रहा है और अब तक यहां 13,22,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 78,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। तो वहीं ब्रिटेन दूसरा ऐसा देश बन गया है जहां कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। ब्रिटेन में 31,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है और 2 लाख से ज्यादा लोग ब्रिटेन में कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। अमेरिका और ब्रिटेन के बाद इटली वो तीसरा देश है जहां मरने वालों की संख्या 30,000 के पार पहुंच गई है। हालांकि ब्रिटेन को छोड़ दें तो कई यूरोपीय देशों में कोरोना वायरस से बड़े पैमाने पर हुई तबाही के बाद अब जिंदगी वहां धीरे धीरे पटरी पर लौटती हुई दिख रही है। महीनों घरों में बंद रहने के बाद अब लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। फ्रांस में पिछले एक महीने से जारी लॉकडाउन में ढील देने की शुरुआत हो गई है। राजधानी पेरिस की सड़कें अब वाहनों से भरी हुई नजर आ रही है। लोग घूमने फिरने के लिए बाहर भी निकलने लगे हैं। बता दें कि फ्रांस में कोरोना संक्रमण की वजह से 26,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। स्पेन में भी जिंदगी अब पटरी पर धीरे धीरे लौटने लगी है। लंबे समय से बंद बार्सिलोना के समुद्री तटों को खोल दिया गया है। अब यहाँ धीरे धीरे ही सही, लेकिन लोग आने शुरू हो गए हैं। समुद्री बीच पर पहुंचे ज्यादातर लोग टहलते हुए नजर आए। स्पेन में 2,60,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 26,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। यूरोप के एक और देश डेनमार्क में भी जिंदगी रफ्तार पकड़ने लगी है। यहाँ 5वीं तक के स्कूल खोल दिए गए हैं और बच्चों को घरों से बाहर निकलने की इजाजत मिल गई है।